जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में, और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से तीन ऐसे स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो एक रुपये से भी नीचे का प्राइस जिनका चल रहा है, और अगर उनमें से कोई भी स्टॉक चलता है तो वो फ्यूचर में जाके एक मल्टीबैगर हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन तीनों स्टॉक्स के बारे में आपको अपडेट दी जाए। सबसे पहले तो लॉयड स्टील, जो हमने एक रुपये के आसपास बोला था, वो 1.30 रुपये तक आ गया है। ठीक है, हाई इसने 1.5 रुपये का मारा है, तो लगभग 30 से 40% का रिटर्न आपको लॉयड स्टील में देखने को मिला है हमारी वीडियो के बाद। दूसरे और दो जो स्टॉक दिए थे वो अभी भी अपने ट्रेडिंग प्राइस के आसपास चल रहे हैं। तो देखो यार, स्टॉक देना वीडियो में बहुत आसान है, मगर अपने आप को अपनी स्टॉक्स के बारे में रोज़ अपडेटेड रहना, रोज़ आप लोगों को अपडेट देना, रोज़ आप लोगों को बताना कि भाई हाँ ये मेरा स्टॉक है और इसके लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करता हूँ भाई। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी का लॉस हो या कुछ हो। खैर, अब कोई ज़्यादा ही गलत पोजीशन लेके बैठ जाएगा वो तो उसकी मर्ज़ी है, मगर मैं जो भी स्टॉक देता हूँ उसकी पूरी जवाबदेही मैं रखता हूँ और आप लोगों को लेवल्स देता हूँ, रिस्क बताता हूँ और आप लोगों को फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका ही है, उसमें मेरा तो कोई हाथ होता नहीं है। तो यार, बहुत ज़्यादा बातें होंगी इस वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए ऐसे तीन स्टॉक ढूंढ के लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मेरे को उनके जो फंडामेंटल्स लगे उनके बेस पर मैं लेके आया हूँ, और क्यों मुझे लगता है फ्यूचर में जाके इन कंपनीज़ में काफ़ी अच्छा रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। स्पेशली कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड हैं, और ऐसा एक पेनी स्टॉक भी मेरे को आज मिला है जिसमें FII की होल्डिंग है। मतलब आपने कभी देखा है कोई ऐसा पेनी स्टॉक? खैर, अब येस बैंक वगैरह की तो बात नहीं करें, मगर एक ऐसा स्टॉक जो 1-2 रुपये के आसपास जिसका प्राइस चल रहा हो, 1 रुपये से भी सस्ता स्टॉक हो और उसमें FII की होल्डिंग हो, ऐसे स्टॉक ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स मेरे को आज मिले हैं, तो उनके लिए इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा। और जिन लोगों को भी पेनी स्टॉक पसंद नहीं है, उन लोगों को सिर्फ मैं एक ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब राकेश झुनझुनवाला जी का 3 रुपये का टाइटन 390 हो सकता है और अजय बग्गा साहब का 80 पैसे का सिटी बैंक 3,300 का हो सकता है, तो भाई हमारा 1 रुपये का स्टॉक 1,000 रुपये का, 100 रुपये का या भाई 10 रुपये का क्यों नहीं हो सकता? इतनी तो एक्सपेक्टेशंस हमें मार्केट से रखनी चाहिए, इतना बिलीव अपने एनालिसिस पे रखना चाहिए। इसी मोटो के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और भाई, शुरू करने से पहले ना, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना यार। बहुत सारे लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जब मैं देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि जितने भी लोग व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं वो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते ज़्यादातर। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और भाई टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इन स्टॉक से रिलेटेड या मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वहाँ आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो भाई टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। और चलिए यार, बहुत हो गया, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो पहला स्टॉक आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस कंपनी का नाम है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस क्या है, किस बेस पर मैं लेके आया हूँ? देखिए, पहले तो इस कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। इस कंपनी का जो मेन कारोबार है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और मार्केटिंग में है, और इस वक्त तो आपको पता है इस वक्त दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, एक तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनीज़ और दूसरी चीज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग की मांग इस वक्त सबसे ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर्स की मांग सबसे ज़्यादा है। तो भाई, क्या सिर्फ इसी बेस पर मैंने इस कंपनी को चुना है? नहीं, फंडामेंटली आपको एक चीज़ देखनी होगी, इस कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू है 1.80 रुपये और करंट भाव इसका जो चल रहा है वो केवल 80 पैसे चल रहा है। तो इससे आपको क्या चीज़ समझ आती है? जो लोग भी भाई थोड़ा बहुत फंडामेंटल समझते हैं ना, वो बुक वैल्यू और करंट प्राइस को कंपेयर करते हैं, और बुक वैल्यू और करंट प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और वो फ़र्क होता है, करंट प्राइस अगर नीचे होता है बुक वैल्यू से तो उस कंपनी के एटलीस्ट बुक वैल्यू तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई बुक वैल्यू 180 की है, करंट प्राइस 80 पैसे का है, और एटलीस्ट यहाँ से ये 1 रुपये आपको ऊपर की साइड यहाँ से डबल होता हुआ आराम से दिख सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको कंपनी के प्रोज की बात बताऊँ तो कंपनी डेप्थ फ्री है, पहली चीज़। ठीक है, कंपनी के पास कर्ज नहीं है,
स्टॉक जो ट्रेडिंग कर रहा है वही बात 0.45 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो बहुत सस्ता स्टॉक है अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो। नेगेटिव क्या है, अब यार इतनी अगर सब कुछ ही अच्छा होता इस कंपनी में तो ये केवल 80 पैसे की नहीं होती ना। गड़बड़ क्या है इस कंपनी में, गड़बड़ है कि इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत पुअर है पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो। प्रमोटर होल्डिंग लो है, कंपनी का जो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, और डेप्थर डेज जो है वो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। मगर जो पॉजिटिव चीज़ है वो कंपनी डेप्थ फ्री है, स्टॉक की बुक वैल्यू बहुत सस्ती है, और स्टॉक के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो बिल्कुल बराबर के आसपास चल रहे हैं, कोई हमें ज़्यादा घट बढ़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में एक चीज़ इंटरेस्टिंग आपको दिखेगी, इसमें पब्लिक का और गवर्नमेंट का हाथ है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको दिखाई नहीं देता, यहाँ पे DFIIs वगैरह दिखाई देती हैं, मगर इस कंपनी में गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, तो ये इस कंपनी को एक यूनिक बात इस चीज़ में लगती है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए हिसाब से और फ्यूचर परस्पेक्टिव के हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है। दूसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन। अब वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन क्या है, देखो भाई ये एक ऐसी कंपनी है जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के बिजनेस में है। अब टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है भाई, टेक्निकल इस वक्त अगर आप देखें तो भारत में जो मोदी सरकार है उनका सबसे बड़ा मोटिव क्या है, आत्मनिर्भर भारत को जो है वो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। अब आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा कैसे मिलेगा, जब टेक्निकल काम की एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, टेक्निकल काम आपका ये हो गया जो जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं, तो बाहर से कोई भी कंपनी आती है उसको चाहिए कि अच्छे लेवल के अच्छे टाइप के टेक्नीशियंस उस कंपनी को मिले, तो ये कंपनी जो है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन देती है, टेक्निकल एजुकेशन देती है, सेकेंडरी टाइप एजुकेशन देती है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, आपको पेनी स्टॉक्स में ध्यान से देखनी चाहिए, अगर बुक वैल्यू इस स्टॉक की बात करें तो 1.48 की बुक वैल्यू हमें दिखाई देती है, मगर जो करंट प्राइस है वो 0.55 है, केवल 0.55, समझ रहे हैं ना आप, तो केवल 0.55 की बुक इस वक्त करंट वैल्यू है। 3 गुना यहाँ से मेरे को ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है केवल बुक वैल्यू, और स्पेशली जिस सेक्टर में ये काम कर रही है उस सेक्टर के हिसाब से। अब एक और ख़ास बात, 50 पैसे का ये स्टॉक है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पॉजिटिव प्रोज में एक चीज़ सबसे पहले देखता हूँ वो है डेप्थ, और डेप्थ फ्री है कंपनी, बुक वैल्यूज में बहुत ज़्यादा चीप मेरे को दिखाई देती है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है रिजल्ट की अगर आप बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें हमें ज़्यादा बड़ी दिखाई नहीं दे रही, मगर उसके बाद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखाई दी है। प्रमोटर होल्डिंग 23% है मगर FII होल्डिंग भाई 5.53% है, ऐसे बहुत कम पेनी स्टॉक आपको मिलेंगे जिसमें 5% से ज़्यादा की FII की होल्डिंग होगी, तो इसीलिए मेरे को ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फ्यूचर परस्पेक्टिव से। और रिस्क कितना है भाई आपका, केवल 50 पैसे का, तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको इसे होल्ड करके रखना चाहिए। रिस्क आपका 50 पैसे का है, ठीक है, और फ्यूचर के देखते हुए और जिस हिसाब से गवर्नमेंट जिस डायरेक्शन में काम कर रही है, आपको एक काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स जो है वो देखने को मिला सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में, तीसरा स्टॉक है सिटी नेटवर्क। अब सिटी केबल नेटवर्क को कौन नहीं जानता, मार्केट वैल्यू 78 करोड़ के हिसाब से है। इस स्टॉक को मैं एक स्पेशल रीज़न की वजह से आप सभी के सामने लेके आया हूँ। देखिए, आखिरी दो स्टॉक्स में हमने बात करी कि जो बुक वैल्यू है वो माइनस बुक वैल्यू ज़्यादा थी, करंट प्राइस कम था, मगर आप अगर इसमें देखें, इस स्टॉक में -90 पैसे का अगर आप देखें बुक वैल्यू है, 90 पैसे इस वक्त जो है वो करंट प्राइस है। और अगर आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, प्रोज में भी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, मतलब कर्ज कम किया है, डेप्थ फ्री भी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में बात करें तो कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ये चीज़ बहुत पॉजिटिव हम बोल सकते हैं। बाकी दो अगर आप शेयर से कंपेयर करते हैं तो एक और बड़ी चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी, 12% FII होल्डिंग है, 4% DII होल्डिंग है, 7% प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, FII DII होल्डिंग बड़ी है, वो क्यों,
इस वजह से क्योंकि सिटी केबल पहला ऐसा केबल नेटवर्क बनने वाला है जो सैटेलाइट के थ्रू जो है आपको डिजिटल केबल प्रोवाइड करेगा, तो बहुत अपार जो है एक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सारे FIIs DIIs को। इस वजह से इसमें दाव खेलने को तैयार हैं, एक हीरो या जीरो टाइप ट्रेड लेने को तैयार है, क्योंकि अगर ये देश की पहली कंपनी बनेगी जो सैटेलाइट के थ्रू टीवी डायरेक्ट प्रोवाइड करेगी टीवी नेटवर्क, तो बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें एक री रेटिंग हो सकती है और बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो केवल इस वजह से आप लोगों को इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करके आप चल सकते हैं। रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि हर्षद मेहता का आप डायलॉग तो नहीं बोलूँगा, मगर फिर भी आपको रिस्क एपेटाइट अपने हिसाब से रखनी चाहिए। अगर लॉस होगा तो भाई 90 पैसे का आपके पास रिस्क है, और जो अपसाइड है वो मेरे हिसाब से इस वक्त अनलिमिटेड मेरे को इसमें दिखाई दे रही है, स्पेशली जिस हिसाब की टेक्नोलॉजी इसरो के साथ इनकी जो बातें चल रही हैं उसको देखते हुए। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।